जब हमारे घर में बाथरूम में टाइल्स वगैरह लगाने की जब टाइम आता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हम अपने बाथरूम में कौन से टाइल्स लगाए या हाइलाइटर लगाए, या अगर जिनके पास बजट बढ़िया है तो वे इटालियन टाइल भी लगवाते हैं, मार्बल भी लगाते हैं, जो कि नॉर्मल टाइल से थोड़े महंगे आते हैं। तो अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं कि बाथरूम में क्या लगाना सही रहेगा, कितने रुपए का खर्चा होगा अगर आप इस प्रकार के हाइलाइटर लगाते हैं तो, और लेबर रेट इस प्रकार के टाइल्स लगाने के, हाइलाइटर लगाने के क्या रहते हैं, मटेरियल रेट क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में आने तक ज़रूर बने रहेंगे। साथियों, अमूमन लोग बाथरूम में जिनके पास बजट कम होता है वे छोटे टाइल्स लगवाते हैं, जैसे 1x1 के टाइल्स या 1x1.5 की टाइल्स, 1x2 की टाइल्स या 2x4 की टाइल्स, इस प्रकार के टाइल्स का यूज ज़्यादातर किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस जगह पे बड़ी हाइलाइटर का यूज़ किया गया है और हाइलाइटर के बीच में एक गोल्डन कलर की पट्टी का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ इसमें जो हाइलाइटर है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इसका यूज़ किया गया है, जो कि बेहद खूबसूरत ये सभी चीज़ें मिलकर और इस बाथरूम को बनाता है। तो ओवरऑल इस प्रकार के बाथरूम में ऐसा हाइलाइटर और ऐसा डिज़ाइन वाले टाइल्स लगाने में कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा वे मैं आज की वीडियो में अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर इस प्रकार के जो हाइलाइटर है तो ये अगर आप परचेज करने जाएंगे तो कितने रुपए का आपका ये जो हाइलाइटर है या टाइल्स है ये आएगा। इसके साथ ही इसमें जो पट्टी लगी है, आप ये जो देख रहे हैं बीच बीच में जो पट्टी लगी है ये, तो क्या इसके रेट भी अलग से रहते हैं या इसी में इंक्लूड रहता है? तो ये आप सामने जो देख रहे थे हाइलाइटर लगा हुआ वे कुछ इस प्रकार का रहता है, और इसको हम हमारे जो भी केमिकल आता है इसको इंस्टॉल करने का, उससे हम इसको लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो हाइलाइटर है बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत अलग अलग डिजाइन में मिल जाते हैं, और ये ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, छोटे छोटे पीस में बने हुए रहते हैं, और फिर हम इसको क्या करते हैं, हमारे केमिकल के मदद से इसको हमारे दीवार पे जहाँ पे लगानी है वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। चलिए अब रेट की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार के हाइलाइटर अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में, तो अगर हाइलाइटर की रेट की बात करूँ तो 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से जो रेट है वे आएगा, जो कि ये हाइलाइटर का रेट है। और अगर टाइल्स की रेट की बात करें जो कि इस जगह पर लगाए गए हैं और इसमें जो बीच बीच में पट्टी लगा है, तो इन दोनों को मिलाकर रेट की बात करें तो 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से इस प्रकार के जो टाइल्स है वे मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं तो आप अलग अलग डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं अपने अनुसार। लेबर रेट की बात करें साथियों, तो इस प्रकार के जो टाइल्स या हाइलाइटर होते हैं इसको लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ये थोड़े अच्छे अनुभवी मिस्त्री से ही लगवाए तो बेहतर रहेगा। और ये जो है ब्लैक सीमेंट से बिल्कुल ही नहीं लगाए, ये केमिकल से लगाए जाते हैं, तो इसमें भी थोड़े लगाने में दिक्कत आता है और टाइम टेकिंग इस प्रकार के प्रोसेस होता है। तो इसको लगाने की लेबर रेट की बात करें तो 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस प्रकार के जो टाइल्स है हाइलाइटर है इसको लगाने की रेट आता है। तो ओवरऑल देखें तो जो हमारा टाइल्स है वे 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में आ रहा है, और लेबर रेट लगाने की 30 से 35 रुपए पर स्क्वायर फीट में आ रहा है, और इसमें जो हम केमिकल्स यूज करेंगे वे हमारा 10 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से केमिकल का रेट आ जाता है। तो ओवरऑल रेट की बात करें तो हम मान के चल सकते हैं 100 रुपये के आसपास, मतलब 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विथ मटेरियल के साथ ये जो वर्क है इस प्रकार का वे हो जाएगा। तो अगर आपको भी अपने बाथरूम वगैरह में इस प्रकार के हाइलाइटर या टाइल्स लगवाना है तो इस प्रकार के वर्क आप करवा सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो मुझे लगता है साथियों, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। और ऐसे और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।